और बड़ी खबर प्रयागराज से जुड़ी, जहां पर उमेश पाल शूटआउट के नामजद आरोपी और अति गैंग के बमबाज गुंडू मुस्लिम के अवैध घर पर बुलडोजर चलने वाला है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम को अपना अवैध मकान तोड़ने के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। मकान को तोड़ने की समय सीमा 18 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। प्रशासन ने 3 अप्रैल को दूसरा नोटिस चस्पा किया था। ये नोटिस गुड्डू मुस्लिम की आवाज पर चस्पा किया गया। इससे पहले पीडीए ने चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम के नाम बीते मार्च में अवैध घर पर नोटिस चस्पा किया था। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बीएसपी के सांसद थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद की सदस्यता छिन गई। 3 दिन पहले गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने अफजाल को 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी कर दी गई। नियमों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत संसद की सदस्यता चली जाती है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार और अब्बास अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई। मामले की सुनवाई अब 16 मई को होगी। इस मामले में अब्बास अंसारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया था, जिस पर ईडी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी और उसके भाई को ईडी की स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और इस पूरे मामले में 16 तारीख को अब अगली सुनवाई होनी है। उधर उत्तर प्रदेश के भदोही में एक फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गैंग से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 194 अंगूठी के क्लोन बरामद किए, जिसका उपयोग ये ठगी में करते थे। बताया गया कि इस गैंग के सदस्य अंगूठे के निशान से क्लोन बनाकर लोगों के बैंक खातों से रुपये निकालते थे। इसके लिए ये बुलेख वेबसाइट से रजिस्ट्री कागजात डाउनलोड कर अंगूठे का क्लोन तैयार करते थे। साथ ही लोगों को नौकरी और लोन दिलाने का झांसा देकर भी उनके अंगूठे का निशान लेते थे। उसके बाद अंगूठे का क्लोन बनाकर बैंक से पैसे निकाल लेते थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के सीएमडी रहे राजेंद्र कुमार गुप्ता के आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों के आंखें उस वक्त खुली रह गई जब उन्होंने पूर्व सीएमडी के आवास सहित दूसरे ठिकानों से करीब 20 करोड़ रुपये की नकदी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को जब्त कर लिया। वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया के पूर्व सीएमडी का नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है, जिसके खिलाफ जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं ये इतना आसान लगता नहीं है, क्योंकि वहां की सेना ही स्कूलों पर कब्जा करने में जुट गई है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान प्रांत में 76 स्कूलों पर कब्जा जमा लिया। ये रिपोर्ट बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले संगठन बीएनएम यानी बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट के समाज कल्याण विभाग ने जारी की।